हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे वहाँ मैके वाले ब्लॉग चल रहे हैं और जो हमारे यहाँ फंक्शन था उसका ब्लॉग चल रहा है। तो ऑलमोस्ट सबकी दावत वगैरह सबने निपट गए थे, मतलब खा चुके थे, और कुछ मेहमान हमारे जाने लगे थे, जैसे कि मेरी मामा जी की बेटी जा रही थी क्योंकि इनके यहाँ पर ऑलरेडी एक फंक्शन था, तो इन लोगों को काशीपुर जाना था वैसे भी, तो ये निकल गए हैं अभी। फिर हमारे धीरे धीरे मतलब सभी लोग जाने लगे, और ये कैप में जो है ये मेरे मामा जी का बेटा है छोटा वाला। तो यहाँ पर अभी केक कटने में तो थोड़ी देरी थी क्योंकि शाम को कटिंग होगा केक, तो अभी थोड़े से ना मतलब आधे गेस्ट तो चले ही गए थे, बस थोड़े से ही रुके थे, बाकी सब चले ही गए थे। ये मेरी बहन की जो है नंद है, दोनों जो जा रही हैं, तो इनको भी हम लोग बाहर छोड़ने आए थे। फिर उसके बाद जाकर जो है डेकोरेशन में लग गए थे, जो कि पुष्पांक और उसके दोस्तों ने कर ली थी। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं इतनी थक चुकी हूँ, पता नहीं अब डेकोरेशन कैसे हो पाएगी, पर भैया ने सारी लग कर ना बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर ली थी। और फिर केक कटिंग के लिए भी केक भी लेकर आ गया था क्योंकि तीन केक आए थे, तो वो ले आया था उसको। और यहाँ पे चल रहा है फ़ैन की वजह से ना, ये रुक नहीं रहा था, सब कुछ उड़ रहा था इधर उधर। मैं बोल भी रही थी भैया फ़ैन बंद कर ले, बट वो ऐसे ही लगा दिए थे उसने उसके बाद ही। तो काफ़ी इंजॉय रहा, बहुत अच्छे से सारा फंक्शन हो गया। और मैं आप लोगों को बताऊँ, फंक्शन से अगले दिन जब मैं ये कर रही हूँ एडिटिंग, तो जब बहुत बारिश हुई है, मतलब हमारा फंक्शन जो है बहुत अच्छे से बीत गया, उसके अगले दिन जो है बहुत बारिश हुई, भले ही आज के दिन जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तिलक, यानी कि टीका कर रही हूँ, वही होता है जैसे खाली माथे केक नहीं कटता है, तो मैंने उसकी आरती उतारी, यहाँ पे टीका लगा दिया। ये मेरी डॉली है, मतलब मेरी सिस्टर है, तो हम दोनों यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। इधर खड़ा है भाई, और अब सबसे पहले जो है यहाँ पे इसका केक कटिंग होगा। तो यहाँ पे मैं इसको पैसे रख रही थी, तो भैया बोल रहा था कि तू क्यों पैसे दे रही है, हम तुझे देंगे। तो मैंने उसको समझाया कि नहीं भैया, ये टीका करते हैं तो बुआ ही देती हैं। और फिर जो है, फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में ना आप लोग ये ज़रूर देखिएगा भैया के यहाँ से मुझे क्या क्या मिला है, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप आने वाले व्लॉग को भी ज़रूर देख लीजिएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, शायद मैं कैमरे के आगे ज़्यादा आ गई थी। और यहाँ पर भाभी, भैया और ये व्यांश, उधर आयु भी आने वाला है, ये अपना केक कटिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। फिर यहाँ पे जो है मम्मी को बुलाया जा रहा था, तो थोड़ा सा लेट हो गए यहाँ पे, वो कैप जो है अपने सर पे रख ही नहीं रहा था, हटाया जा रहा था। बाकी सुंदर बहुत लग रहा था व्यांश इन वाले कपड़ों में। और ये वाले जो मैं बता दूँ, जो आयु ने पहन रखे ना तो वो डॉली ने दिए हैं, और जो व्यांश ने पहन रखे हैं वो मैंने दिए हैं कपड़े उसको। तो यहाँ पर मम्मी भी आ गई, मम्मी के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि मम्मी की तबीयत पिछले 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो यहाँ पर केक कटिंग हो गया, और केक कटिंग होने के बाद सबने अपने अपने फ़ोटोज़ खिंचवाए, तो ना बिल्कुल इसका हलवा बन चुका था भतीजे का, कभी कोई गोदी में ले रहा है, कभी कोई गोदी में ले रहा है, जबकि वो इतना हंसमुख है ना, वो कभी रोता ही नहीं है, तो वो सबके पास जा जा के ना फिर भी स्माइल के साथ जो सबके फ़ोटो खिंचवा रहा था। वर्षा को आपने देखा है पीछे वाले व्लॉग में भी, कितनी प्यारी लग रही थी वो, मतलब उसका कॉम्बिनेशन साड़ी का बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पर मैंने अपना सूट चेंज कर लिया था क्योंकि सारा बहुत सारा काम हो रहा था, सारे मेहमान जा रहे थे, तो बार बार जाकर नीचे जो है उन्हें मतलब खाने पीने की चीज़ें देनी पड़ रही थी ना, तो फिर जीना चढ़ना उतरना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे ये खड़ा है मेरा मामा जी का बड़ा वाला बेटा, मेरा भाई, ये जो ब्लू शर्ट में है, अभी मैं आगे आप लोगों से मिलवाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, और फिर उसके बाद सब बारी बारी से अपना फ़ोटो खिंचवाती रहेंगे। उधर मौसी जी भी नहीं आई थी चांदपुर से, यानी कि वर्षा की मम्मी नहीं आई थी, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। भाभी से आप लोग मिले ही हैं, पुष्पांक की वाइफ से मिले ही हैं। और ये भाई देखो, इग्नोर करना, ये मैंने कटिंग नहीं किया था, मैं आप पता नहीं कैसे कैमरे के आगे आ गई, यहाँ पर मैंने अपने स्टैंड पर लगा रखा था, मैं भूल चुकी थी। हाँ, अब मैंने पीछे देखा है कि कैमरा भी है। और ये हैं मौसा जी, यानी कि वर्षा के पापा हैं ये, तो मौसा जी भी छुट्टी आए हुए हैं, तो इसी वजह से आए थे कि वो फंक्शन के पास ही आएँ, काफ़ी दिनों बाद आए हैं, 6-7 महीने बाद आए हैं वो। फिर यहाँ पर ये सारा कुछ होने के बाद जो है, फिर हम लोगों ने रात में खाना वाना खाया, केक डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। फिर रात में जो धमाकेदार डांस हुआ है ना, तो वो आप लोग ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। लास्ट में हम लोग मतलब 12:30-1 बज गया था हम लोगों को, जब तक हमने डांस किया। फिर जो है भैया जो है मामा जी के बेटे सब, मनु वगैरह रात में ही चले गए थे फिर, और यहाँ पर बैठे हैं दोनों भाई, अपना पोज दे रहे हैं। तो खाना खाने के बाद जो है ना, फिर जो डीजे पर डांस किया, सच्ची सुबह को उठा ही नहीं गया, मैं 2 दिन की लीव पर थी, 3rd डे बिल्कुल ही नहीं उठा गया, तो फिर लीव लेनी पड़ी मुझे। और एक फिर सडनली एक फैमिली में मतलब एक रिलेशन में कहीं जाना पड़ गया हम लोगों को, तो फिर मुझे 4th डे भी छुट्टियां लेनी पड़ी। तो बहुत लंबी छुट्टी हो चुकी है मेरी, अब मुझे जल्दी से बस स्कूल जाना है क्योंकि स्कूल का भी मेरा काम थोड़ा सा ना लूज़ चल रहा है। और यहाँ पर बस ये फोटोग्राफर भैया है, इनसे हमने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो खिंचवाए हैं, तो आएँगे तो मैं ज़रूर यूट्यूब पर अपने फैमिली के साथ जो है शेयर कर दूँगी उन फ़ोटोज़ को। तो यहाँ पर मौसा जी पैसे दे रहे हैं वर्षा को, तो वर्षा मना कर रही थी, तो मतलब पापा होते ही ऐसे भाई, घर वाले होते ही ऐसे हमेशा ना पैसे देते ही रहते हैं। यहाँ पर दादी पोते खड़े हैं दोनों, और आतिशबाजी देख रहे हैं, ऊपर ना आतिशबाजी हो रही थी, मतलब बच्चे पटाखे वटाखे थोड़े बहुत फोड़ रहे थे। तो ये है हमारी मनु,
पहले भी मिल चुके हैं, मतलब मेरी मामा जी के बेटे की, मेरी भाभी है मतलब ये मेरी, और ये रहे दोनों बच्चे कान्हा और मान्या, और ये रहा मेरा भाई। तो ये है हमारी छोटी सी फैमिली। मतलब हमारी सबकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है ना, मतलब जो हम लोगों को जानते हैं ना, चलो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे मेरे चैनल पर, तो शायद उनको लग रहा होगा कि हाँ जी ये बस चैनल पर बोल रही हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूँ, आधे से ज़्यादा वो सब्सक्राइबर हैं जो मतलब मेरी फैमिली इसको पर्सनली जानते हैं, तो वो लोग बता सकते हैं कि हम लोगों में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है सभी में। मतलब बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। वैसे भी मनु और अभिनव जो है बहुत समझदार हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा समझदार। ये मेरा भतीजा है जिसकी अभी शादी हुई थी पीछे, ये उसकी वाइफ है। बहुत सारे व्लॉग्स मिले थे शादी के अभी जून में। और ये मेरी बुआ जी हैं, दोनों बुआ जी थी ये मेरी। और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत आतिशबाजी हो रही थी तो मैंने ऊपर ही थोड़ा सा शूट कर लिया, यहाँ पे बाकी सब ये हैं ही। तो दिन में थोड़ा सा ना कम दिखाई दिया है आतिशबाजी का, तो यहाँ पे डॉली और उसके हस्बैंड थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे। यहाँ पे इनका फुल फैमिली फ़ोटो एक बार रह गया था, अंतरिक्ष रह गया था, तो अंतरिक्ष के साथ जो है फ़ोटो खिंचवा रहे हैं ये लोग वापस से। छोटा बेटा मामा जी का, और वो भी मेरे मामा जी का बेटा भी बेटा ही है, वरुण भी। और फिर ये सब का फ़ोटो होने के बाद काफ़ी सारे आयु के दोस्त भी आए थे बर्थडे में, जो आपको शायद से दिखाई दे जाए इधर उधर कहीं पर, तो इन लोगों का फ़ोटो बीच में रह गया था। तो ये आ गया यहाँ पर व्यांश और विवान, यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं दोनों भाई बैठ करके, और विशाल और डॉली हैं। तो काफ़ी लंबा ये व्लॉग हो गया। आप लोग बोल रहे थे ना कि थोड़ा दीदी लंबा व्लॉग डाला कीजिए, तो ये मैंने आज काफ़ी लंबा सा व्लॉग कर दिया है। तो आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे इसको। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आगे जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दी हूँ, लक्ष्मण कर रहा है यहाँ पे छवि भाभी से मजाक। तो वो उससे जो है भैया ने ये बोल दिया था कि मैं अपनी साली की शादी करा दूंगा, तो वो भाभी के पीछे लगा हुआ है कि हाँ ये अपनी साली से मेरी शादी करा देंगे। तो यहाँ पे सब बात बात कर रहे थे, बैठे थे आराम से। और फिर जो है ये शायद से वो क्लिप रह गई थी ना बीच में ही, तो अभी यहाँ पे बुआ जी वगैरह आ गई हैं शायद से। मैंने दोबारा ना एडिटिंग में मेरा दोबारा से आ गया, तो सॉरी फॉर दिस। और जो है ये भाभी वगैरह थी, निशा थी मेरी भतीजी। तो यहाँ पे चल रहा है केक डिस्ट्रीब्यूशन, जल्दी जल्दी मैं और डॉली रख के दे रहे थे, और सब लोग कर रहे थे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि काफ़ी जने हो रहे थे तो सब लोग खा लेंगे। और उधर दीक्षित का चल रहा है, बहुत सारा केक खाया जा रहा था, खाया जा रहा था। दीक्षित तू ना कैप्चर हो चुका है वीडियो में, ओके, तूने बहुत सारा केक खाया है। तो फिर अभी ना बाकी क्या हुआ बाद में ना, लास्ट तीन केक थे तो दो केक वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, एक केक उठा के रख दिया था हाफ की, मैंने कहा बाद में भी आएगा कोई, और हुआ भी ऐसे ही। बाद में जब आ रहे थे तो मम्मी बोली केक तो खत्म हो गया, मैंने कहा नहीं मम्मी। यहाँ पे आप लोगों ने देखा डांस कितना हो रहा है। सबसे पहले पुष्पांक और उसके दोस्तों की पार्टी लगी हुई थी, और यहाँ पर जो ये लगे हुए हैं चारों, विकास, अभिनव, मनु, वर्षा, चारों का डांस चल रहा है, जोड़ीदार डांस, खूब मस्ती कर रही हैं ये अपना डांस करते हुए। और जो है फिर मतलब हम लोग, मैं बता ही रही हूँ, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, बहुत से अच्छे से हमारा फंक्शन हो गया। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं पीछे वाले व्लॉग में, मेरी साड़ी को भी बताया है कैसी लग रही थी मेरी साड़ी, थैंक यू। और ये वाला व्लॉग भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसा आपको लगा, और ये टाइमिंग में ठीक था या नहीं था, काफ़ी मैंने लंबा ब्लॉग कर दिया था ये आपको आई होप बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मतलब मैंने तो कोशिश की है, फिर भी आप मुझे बता दीजिएगा मैसेज करके अगर आप लोगों को कुछ कमी लग रही हो तो। मतलब
रियल मैंने आप लोगों को दिखाया, जैसे जैसे हुआ पूरा तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और फिर उसके बाद भाई मेरे डांस की क्लिप शायद से निकल गई क्या पीछे, अरे भाई जैसा भी आता है मुझे, मैं कर लेती हूँ। सारे बच्चे बोल रहे थे, कह रहे आप डीजे पे अच्छा कर लेती हो, वैसे आप पता नहीं क्यों हेजिटेशन फील करती हो। सच्ची में मुझे अकेले करते हो मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझे ही फोकस कर रहे हैं तो मुझसे नहीं हो पाता, बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। वरना वर्षा और मनु तो बहुत ही अच्छा डांस करती हैं दोनों, मैं तो दोनों से बोल रही थी मुझे क्लास दिला दो तुम दोनों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।